दवाइयां जैसे मैंने बताई हैं वैसे ही लेनी, ठीक है? और परहेज करना है उड़द चावल का। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं नितिन बात कर रहा हूँ, कल जो आया था आपके पास। अच्छा, नितिन जी, हाँ बताएं, क्या हाल है? डॉक्टर साहब, कल मैंने अपनी बीवी का रिपोर्ट निकलवाई थी प्रेगनेंसी की, वो आ गई क्या? थैंक अच्छा, हाँ नितिन जी, वो रिपोर्ट तो आपकी आ गई, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। बनने वाला हूँ? हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मालूम करनी थी। अच्छा, क्या? डॉक्टर साहब, आप बता सकते हो कि ये लड़का है या लड़की? अरे नितिन बाबू, कैसी बात कर रहे हो? ये मैं क्या, ये तो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी जांच तो हो सकती है ना? अरे नहीं नितिन भाई, ये गलत है। देखो ये इनलीगल है, बच्चे का लिंग पता करना ये कानूनन अपराध है और ये जांच कहीं नहीं हो सकती। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, क्या हुआ जी? क्यों परेशान हो? सर में दर्द है क्या? यार क्या बताऊं, कल जो हमने चेकअप करवाया था ना, तो उसकी रिपोर्ट आ गई है और तुम माँ बनने वाली हो। क्या, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम इतने परेशान क्यों फिर? यार परेशान नहीं हूँ, बस मुझे बच्चे पसंद नहीं है। तुम तो जानती हो ना, मुझे बच्चों से नफरत है और मैं नहीं चाहता कि भी हमारे बच्चा हो। क्या, तुम मुझे बच्चे पसंद नहीं है तो फिर मैं क्यों पसंद हूँ? शादी क्योंकि मुझसे जहर देकर मार ही देते। तुम ज्यादा अपनी जुबान मत चलाओ, मेरा पहले से सर में बहुत दर्द है। जाकर अपना काम करो, चलो। कैसे पता लगाया जाए लड़का है या लड़की? लड़की होगी तो मैं उसे इस घर में नहीं रखूंगा, इसका पता मुझे लगाना होगा। निशा, ये सब क्या कर रही हो तुम? तुमसे मैंने कहा था ना कि भारी वजन मत उठाना, तुम प्रेग्नेंट हो। ओ, तुम्हें कब से चिंता होने लगी मेरी? कल तो तुम मुझे बोल रहे थे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? इसे मेरी बात सुनो, तुम पहले यहाँ आओ, बैठो। इसे देखो, मेरी बात सुनो, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे घर में बच्चा हो, लेकिन लड़का, अगर लड़की होती है ना तो हम उसे 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 क्या मार दोगे? तुम कैसे बाप हो? क्या सोच रहे हो आजकल तुम? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। निशा, मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। देखो बेटियों का क्या है, कल कलाको लड़की को कुछ हो जाता है, किसी के साथ भाग जाती है, कुछ हो जाता है, फिर हम क्या करेंगे? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी सोच कैसे हो रही है यार? निशा देखो, मैं सही बोल रहा हूँ ना, जैसा जैसा मैं कहता हूँ तुम बस ऐसा करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगी तो करती रहो जो करना है। और हाँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, शाम को लेट आऊंगा, मेरे लिए खाना मत बनाना। मेरी बात तो सुनो। पता नहीं क्या हो गया इस आदमी को, पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में, समझ ही नहीं आ रहा। बैठो।
तुम काफी थक गई होगी ना, ये लो दूध पी लो। क्या दूध? मुझे पता है तुम मुझे ये दूध क्यों पिला रहे हो। क्या मतलब? तुमने जरूर इस दूध में कुछ ना कुछ मिलाया होगा ना, मेरे बच्चे को मार देना चाहते हो ना। निशा ये कैसी बैगी बैगी बातें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं इस दूध में क्या कुछ मिलाऊंगा? निशा इसमें कुछ नहीं है, तुम ये दूध पियो, वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा बच्चा भी है। नहीं पीना मुझे दूध, ले जाओ। मतलब अब तुम्हें मुझ पे इतना ही भरोसा नहीं रहा? ठीक है, तुम्हें लगता है कि इस दूध में कुछ है, ठीक है तो मैं अभी बताता हूँ। देख लिया था इसमें कुछ? निशा प्यार में विश्वास होना चाहिए, जो कि तुम में अब नहीं रहा, समझी? मैं जा रहा हूँ और शाम को लेट ही आऊंगा, फिर कल की तरह मेरा इंतजार मत करना। ए निशा, निशा ए कहां मर गई? यहां पर चल, मेरे लिए पानी ले गया। हाँ हाँ ला रही हूँ, क्यों गला फाड़ रहे हो? गला फाड़ रहे हो? तू मुझसे किस लहजे में बात कर रही है? तुझे अपने पति से बात करने की तमीज नहीं है? तू ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी तू। मुझे मार सकते हो या अपने बच्चे को मारने की प्लानिंग कर सकते हो? बच्चे को नहीं मार रहा, उससे मैंने कितनी बार कही है मैं तुझसे। मुझे बच्चे के बारे में कुछ मत बोला कर। भगवान, तू मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है? कभी कभी तो मुझे सातवीं से डर लगने लगता है कि मेरे बच्चे को ये यहाँ कैसे सो रही है? निशा, निशा उठो, निशा, निशा। शहर की सीसी, निशा, 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 ये तुमने क्या किया? नितिन अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ तुमसे बहुत दूर। तुम कहते थे ना कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं, अगर लड़की होती तो तुम उसे मार देते, इसलिए मैंने खुद को ही खत्म कर लिया। अब बस तुम खुश रहना अपनी जिंदगी में, जिंदगी में, जिंदगी में। निशा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। निशा, निशा अपनी आंखें खोलो, निशा मुझे माफ कर दो, निशा मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं किसके सहारे जूंगा, मेरा कौन है तुम्हारे बिना?
निशा, निशा आके खोलो ना। देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ निशा। निशा, निशा आगे खोलो निशा।